नेक्स्ट केस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड चार्ज पार्टिकल इनके बीच में से पास करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसके ऊपर एनसीईआरटी मेंस नीट सब पे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो वो कहेगा प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, एक प्लस और एक माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ड्रॉ करना चाहिए था? नीचे, नीचे। अब या तो मैं डायग्राम चेंज कर दूँ कि भाई डायग्राम गलत बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो नीचे है तो चार्ज पार्टिकल नीचे जाएगा, बिल्कुल करना चाहिए मुझे डायग्राम चेंज। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो हम इसमें फ्लेमिंग का रूल लगाएं, फर्स्ट फिंगर बी, क्रॉस का मतलब बी कहाँ पर है? इनसाइड। वेलोसिटी कहाँ पर है? ये राइट। तो फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सही है। तो मैंने डायग्राम क्या बना दिया? उल्टा। मैंने बी क्यू भी नीचे बना दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर बना दी। नहीं, चेंज नहीं करना, या तो इन्हें चेंज कर लो और आप बोल दो कि क्यू पॉजिटिव है और मेरे से डायग्राम गलत बन गया। ओके, मैं करेक्शन करता हूं, मैंने करेक्शन की, लेट अस सपोज हेयर क्यू इज नेगेटिव। चलो डायग्राम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे नीचे अट्रैक्ट हो रहा था तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? ऊपर। तो लो क्यू ही ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर एक्ट कर रही थी तो इलेक्ट्रॉन पे कहां एक्ट करेगी? नीचे। तो मेरे को डायग्राम छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, समझ में आया? हाँ, अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज लेता फिर मेरे को ये दो वेक्टर इंटरचेंज करने पड़ने थे, क्यू ई नीचे, बी क्यू वी ऊपर। पर मैंने इसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है फोर्स कहां एक्सपीरियंस करता है? जहां पॉजिटिव चार्ज करता है उसके ऑपोजिट। तो अगर पॉजिटिव चार्ज एंटर करता तो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव प्लेट, पर मैंने इसका इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया तो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट, तो क्यू ही ऊपर हो गया। और अगर हम फ्लेमिंग का रूल लगाएं, फ्लेमिंग के रूल में फर्स्ट फिंगर बी, पॉजिटिव चार्ज कहां मूव कर रहा है? आगे। पर यहां पर पॉजिटिव थोड़ी ना है, यहां पर क्या है? तो फिर एक काम करना पड़ेगा, अगर क्योंकि ये फिंगर हमेशा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज शो करती है, तो पर मैंने इसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। तो प्लीज इस फिंगर को उल्टा कर लेना। क्यों उल्टा करना पड़ेगा? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। तो देखो यही करना पड़ेगा कि इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है पर सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इमेजिन करो ना कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा, दोनों ऑपोजिट हैं। तो बी बोर्ड के इनसाइड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो आप सेंट्रल फिंगर इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं लेके जा सकते, आपको इमेजिन करना पड़ेगा एट द सेम टाइम प्रोटॉन कहां मूव कर रहा होगा? ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स आएगी नीचे। क्लियर है? आपको क्वेश्चन में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स में एक चार्ज को एंटर करवा दिया, चार्ज एंटर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि वो पैराबोला में मूव करे, मैग्नेटिक चाहती है कि वो सर्कल में मूव करे, लेकिन हुआ क्या? वो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, जबकि दोनों फोर्सेस काम कर रही थी, एक चाहती है कि वो नीचे मुड़े, एक चाहती है ऊपर मुड़े। तो ऐसा क्यों हुआ? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को क्या हो गया? सेम। अगर ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम होती जाए हर पॉइंट पर, तो ना ये पार्टिकल ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। तो जब ये स्ट्रेट जाएगा तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो वेलोसिटी क्या होगी? ई बाई बी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो ई और बी परपेंडिकुलर, और मैंने चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया इसमें और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल गया। स्ट्रेट एक ही केस में निकल सकता है जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाए और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाए? ई डिवाइडेड बाई बी आ जाए।